ते पिछले समय दे विच मैं थानू एक कहानी सुनाई सी And I just told you the story last time. एक आदमी सी जेड़ा परमेश्वर दे नाल बड़ा वफादारी दे नाल चलदा सी A man used to walk with the God in obedience. अते जेड़ा परमेश्वर दी आवाज नू हमेशा सुनदा सी And he used to listen to the voice of God. अते ओ एवेंजेलिस्ट सीगा ते थां-थां ते जाके प्रचार करदा सी And he was an evangelist used to preach at different places. एक दिन ओ प्रार्थना कर रिया सी Once he was praying. अते परमेश्वर दी उस नू आवाज आई And a voice of God came unto him. अते आवाज सी के तू अपना घर बेच दे And voice was sell your house. अते इस दे बदले जो पैसा मिलेगा And the, for that you money that you get. ओ मेरा एक फलाना सेवक है उस सेवकाई दे विच जाके दे के आ And you give to a servant of mine who is running ministry. अते जेड़ा एवेंजेलिस्ट सी उसने सोचिया मैं इस तरह किमें कर सकता हां And that evangelist thought that how could I do that? मैं अपना घर क्यों बेचांगा? Why I need to sell my house? मेरा घर बहुत महंगा है My house is a costly one. अते एक एक समुंदर दे कंडे दे उत्ते घर है And there it is built onto the seashore. अते जेड़ा कई घरां दे विच मन्निया परमन्निया घर है And which is one of the most beautiful houses amongst those area. अते कई समय तक सोचता रहा And for some time he just pondered upon that thing. अते उस बाद उसने फैसला किया And he made a decision भाई मैं नहीं करांगा That I'll not do that. अते कई साल लंघ गए Many years passed by. अते कुछ साल लंघन तो बाद After some time, some years, एक दिन समुंदर चढ़िया And the sea rose. अते लहरां उठिया And the waves came upon. अते उसने घर नू रोड़ के लै गईया And took away his house. अते ओ भुल चुका सी अपने वादे नू And he forgot his promise. ओ भुल चुका सी उस आवाज नू जड़ी ओदे कन्ना दे विच आई सी And he forgot the voice that came into his ear. अते उसने सारा प्रचार करना बंद किया And he stopped preaching. अते एक बार ओ किसे एकांत थां ते विच जाके अरदास कर रिया है And he was praying at a lowly place. ओ प्रभु जद मैं प्रार्थना करदा हां Oh Lord, when I pray, जदों मैं प्रचार करदा हां And when I preach, अते कई लोकां दे घर बणदे हन Many people's houses are built. कई लोकां नूं आशीष मिलदी है Many people receive blessing. उन्हां नूं नवां जीवन मिलदा है And they have new life. ते प्रभु ये मेरे नाल क्यों होया है And Lord, why it has happened with me? प्रार्थना कर रहा है And he's praying. प्रभु तू मेरा घर समुंदर नु क्यों देता है Oh Lord, why you gave my house to the sea? समुंदर नु मेरे घर दे उत्ते कोई अधिकार किमें मिल गया How can a sea have dominion over my house? ओ प्रभु इस तरह किमें हो सकता है Oh Lord, how could this be like? ओ प्रार्थना करदा रहा And he kept on प्रार्थना करदा रहा And he kept on praying प्रार्थना करदा रहा And he kept on praying एक दिन उसने आवाज आई Once he caught the voice मैं तेनु पहला क्या सी I told you earlier भई तू एक घर बेच के पैसा मिनिस्ट्री नु देने That you sell this house and give it to certain ministry की तू मैनु अनजान समझना है Do you find me a stranger? मैं ज्यादा गल नहीं करनी चाहता I want to talk much. मैं थानू यही दसना चाहना या I just want to tell you. पहला फल बाइबल दे विच लिखा है परमेश्वर दे घर विच लेके आओ That first fruit bring it to the house of God. ताके परमेश्वर दा वचन कहंदा मैं थानू बरकत देवा So that the word of God says I could bless you. कौन है यीशु मसीह Who is Jesus Christ? कौन है पवित्र आत्मा Who is Holy Spirit? जेने थाडे नाल गल कर रहे हन The one who is talking with you. अते जेने आज थानू ये सिखा लेना चाहते हैं I want to teach you. भई जिन्ना भी परमेश्वर ने थानू दिता है All that God has given to you. ओ सब परमेश्वर दी कृपा ना थाडे को टिक्या होया है It is with you because of the grace of God. अते नहीं ता एक पासे शैतान दरवाजा खोल दिंदा है Otherwise at one point the Satan opens a door. अते सारा ही पैसा सी चाक के डॉक्टर दे हाथां विच दे दिंदे हैं And we give all the money to the doctor's hands. जे अज पैसा साडे कोल जमा आ If we have saved money with us. एदा मतलब की है What does that mean? परमेश्वर ने सानू चंगी सेहत दित्ती है God has granted us good health. इस करके ओ सेव पिया है So that's why that money Money is safe over there. सानू ओ परमेश्वर ने दस्या के मैं उसनु दस गुना करके वापस मोड़ांगा And that is what God has told that I will multiply it to tenfold. एदा बाइबल दे विच लिखा है This is how it is written in the Bible. कि मैं थानू वापस कई गुना करके वापस करांगा That I will give you multifold. और तुसी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा नहीं रखदे Do you not believe on God? भई परमेश्वर नु दित्ता पैसा
10 गुना करके वापस आएगा। That when you give money to God, that He is not going to give you tenfold. अते पिछे ये रोड़ा प्यासी 50 साल ने बीच पैसे दुगने करके देवांगे। And a shout of shouting was going on that after 5 years we will get the double. मेरे को इतना भी केस है गया। And I too have that sort of cases. जिन्हनु लोकाने का था नु 2 साल 3 साल बीच दुगने करके वापस कर देंगे। That we will give you the double after 2 or 3 years. किसने 5 तो किसने 7 नानु दित्ता। Some gave 5 and some gave 7. पर की होया? But what happened? दुगना तक ही जेड़ा पहला सी ओवी गया। But what the double? But the earlier one also they just lost. था नो लोकां ते प्रोसा जेड़े झूठ बोलने था डिगो आगे। You have faith on people who just are very much. पर जेड़ा परमेश्वर सच्चा ते जिंदा अते जिसने करके था डी ज़िंदगी दे विच सा चल दे हन। But the God who is righteous and who is living, due to whom you are living. जिसे उस परमेश्वर नो की समझ रहे हो? What do you think of that God? मैं ए नहीं कह रहा कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। I am not saying that I am just trying to put it hard upon you. मेरी अपील है मैं दसना के सच की है। It is my appeal. I need to tell what is the right. क्योंकि जब तुसी परमेश्वर लई दोगे, when you give for God, मेरे को किन्नियां गवाहियां उंगलां दे उत्ते हन जड़ियां मैं तुहानू सुना सकता हां। On my fingertips, I have so many testimonies I can just tell you. एक व्यक्ति है जिसनू मैं जानदा हां, a person I know, ते उस व्यक्ति ने मेरे को एक अरदास कराई, and that person just prayed for himself. जेड़ा बिल्कुल विश्वासी नहीं सी ते वो एक हिंदू जेंटलमैन है, and he is a Hindu gentleman and he is not a believer at all. अते वो आज भी साल च एक अद्धी वारी मेनू जरूर मिलता है, and once in a year he meets me. उसने कहा पास्टर जी मेरा 7 लाख रुपया कितने फसया है, and he said that pastor my 7 lakhs of rupees that is entangled somewhere. अते उसने चर्च दा कोई काम कीता सी ओदे पैसे लेन आया सी, and he did some work for the church and he just came to just get this pay. कहना पास्टर जी 500 रुपया मेरा इत्थे प्रार्थना कर दियो, and he said the pastor this is 500 rupees just pray for me. मैं कहा जा भरा मैं पैसों ते कोई प्रार्थना नहीं करदा, and I told him that I do not pray for the money. मैं प्रार्थना कीती मल्ला तेरा गवाच गया फिर, and if I just pray that if you are lost then. वो कहना नहीं जी मेरे बहुत गवाचे आ एदे नाल लबणे आ. He said that many money of mine is lost. By this, I will find it. मैं कहा अच्छा इतना नहीं गलना है? I told him, is it like this? कहना हाँ जी तुसी बस मार जा हाथ ला दियो. He said, yes, it is like this. Just touch your hand. मैं कहा भी पहली पहली बारी बंदा आया जेंटलमैन बंदा कानून निराश करना मैं कहा चल यार हाथ ला दिने ले फड़ हाथ लाता. And I touched it and I thought that I need not make him sad. I just did. तीसरे दिन बंदा वापस आ गया. On the third day that person came. कहना पास्टर जी 7 लाख फसिया सिगा 3 दिन च मिल गया. And he told me 7 lakh was stuffed somewhere. I have found it now. जेड़े बंदे पैसे दे विच पिछे हन. All those who are behind money. मैं उन्होंने कहना चाहना कि अगे वधो. I want to tell them, come forth. पर ऐदे नाल नहीं. But not by this mind of yours. ऐदे नाल. But by the word. ताड़े पैसे जो बरकत आएगी. Your money will have blessing. अते ए जड़ा पैसा है 10 गुना बढ़ जाएगा. And this money will multiply 10 times. क्योंकि परमेश्वर ने किता वादा अपने बंदियां दे नाल. For God has promised with His people. उसने क्या मैं थानू बतावांगा? He said, I will make you flourish. उसने क्या कोई भी बेफल नहीं रहेगा? He said, no one will be fruitless. परमेश्वर सानू बताना चाहते हैं। God wants to make us fruitful. एक मेरी बड़ी बड़ी एक प्यारी जी एग्जांपल है। It's a beautiful example that I want to tell you. इसनू बड़े ध्यान दे नाल सुनो। Kindly listen to it attentively. जेड़ा किसान है, a farmer who is, अते जदों ओ कणक वढ़दा है, when he reaps the wheat, कुछ बोरियां जेड़ियां कणक दियां ने ओ बेचदा है। And few sacks of wheat he sells it in the market. अते कुछ बोरियां ड्रम दे विच खाण वास्ते पौंदा है। And some of the sacks he puts it into the drum for eating. अते कुछ बोरियां बन के कमरे च बंद कर देंदा है। And few of the sacks he just puts it into the godown. हुण तुसी समझदे हो तीन तरह उन्ने क्यों बंडिया है। And do you understand why he has just did it thrice things? जेड़ा उन्ने कमरे च बंद कीता है, the ones he has stored it into his room. उस साल बाद उस कमरे नु खोलदा है, after 1 year he opens up that room. ओ बीज नु चुक के अपने मोढे ना टंगदा है, he catches that seed on his shoulder. अते अपने खेतां दे विच जाके छट्टा दिंदा है, and he scatters that seed into his field. अते जे ओ एक दाना बीज के आउंदा है, and if he sows one seed of a wheat, कटो कट 40 तो लेके 65 दानियां तक एक दाने दे पिछे दाने आंदे हन। At least 40 to 65 seeds comes out of one seed that he has sowed.
एक दाने दे पिछे इन्ने दाने पैदा होंदे हन। Out of one seed so many are multiplied. पर जद बीजन दा वेला आवेगा। But when the sowing time comes. अते जे उसने बंद कमरे विच जमा नहीं किता। But if he had not had that into this room. अते वो बीजन दे वेले बीजेगा की। At the sowing time what will he sow? अते जदों बीजेगा नहीं। When he will not sow. अते वो बढ़ेगा कितों? Then how he is going to reap? बहुत सारे विश्वासी है जेडे बटन दातियां लेके तुरे हुए हैं। Many believers are having the knives in their hands to just reap it. अते उन्होंने बढ़िया तिखियां दातियां हाथां च फड़ियां ने। And they have the sharp knives into their hands. भाई तुसी बीजिया नहीं बटना कितों? Brother, you have not sown. How you are going to reap? तुसी बीजिया नहीं हैगा? You have not sown. तुसी कितना बट सकते हैं? How can you reap? अते तहनु कोई अपने खेतां च बढ़न नहीं देवेगा। And no one will allow you into his field. पर ने थानू एक खेत दिता है। God has given you a field. तुसी इस खेत दे विच बीजो। You sow in this field. अते फिर तुसी बढ़न दे हकदार होवोगे। Then you are able to reap. अज विश्वासी बड़ी गलती कर रहा है। And it's a big mistake that a believer is making. वो बीजदा नहीं है। He is not sowing. अते बाइबल दे विच हुकम पाया जांदा है। And it is a command in the Bible. उसने कहा सारे दसवंध मेरे मोदी खाने विच लेके आओ। He says all the tithes bring it into my place. अते बहुत सारे लोग है जेने अपनी समझ अपनी ताकत दे नाल अपना दसवां हिस्सा दिंदे हन। Many people by their mind and by their strength give the tenth of all they earn. अते बहुत घट लोग ने जेने एदे मुताबिक अपना दसवां दिंदे हन। Many few people only give at their tenth as per the word. जेने एदे मुताबिक अपना दसवां दिंदे ने ओ एदे मुताबिक आशीष दे भी हकदार ने। And all those who give their tenth according to this they gave it the tenth by this. अते जे तुसी इस लॉ तो बाहर हो। If you are out of this law. अते फिर तुसी अपनी फाइनेंस जेड़ी तुहाडे पैसे दी जेड़ी समस्या ओ तुहाडी जिंदगी विच इवें बनी रहेगी। And then the financial problems are going to stay at that own place. तुसी इस कर्ज नु तोड़ना है। You need to break that curse. किन्ने लोग है जिन्हां दे सिर ते कर्जा है? Many people, how many people are there who have the debts on their head? ओ कहिंदे सी यीशु मसीह नु पाया है। They say that we have had Jesus Christ. बाइबल दे विच लिखिया तुसी कर्जा लोगे नहीं पर तुसी लोकां नु दोगे। In the Bible it is written you will not take but you will give. ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। प्रार्थना करवाउन अते होर जानकारी लई तुसी साडे इस नंबर ते संपर्क कर सकदे हो 0182 2516 777।